डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डील करने वाले हैं हम। जैसे आपने देखा सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और फंक्शन के ठीक बाद आना चाहिए कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी के बाद में आता है आपका डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और ये कंटिन्यूटी कई टॉपिक्स का बेस बनाता है। तो कंटिन्यूटी, व्हाट इज़ कंटिन्यूटी? तो ये इंग्लिश के कंटिन्यूटी वर्ड से मिलता ही जुलता है। जैसे कंटिन्यूटी आपने इंग्लिश में देखी कि कंटिन्यूअस क्या चीज़ होती है, तो जो चीज़ कंटिन्यूटी में चलती रहती है वो कंटिन्यूअस है, जो कहीं ब्रेक हो जाती है वहाँ पर उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहाँ पर उससे थोड़ा सा अलग एक कर्व के बारे में बात हो रही है कि कर्व कैसा है। तो मान लीजिए कि एक कर्व इस तरीके का है, इस तरीके का है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस कर्व को क्या कहेंगे हम? इस कर्व को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस है। और अगर मान लीजिए ये यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है, तो क्या कह देंगे कि इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। हम कंटिन्यूटी को सारे एस्पेक्ट से देखेंगे, सारे एस्पेक्ट से समझेंगे, कई अलग अलग तरीक़ों से समझेंगे, ग्राफिकली समझेंगे और अलजेब्राइकली समझेंगे। और इस पे हम एक्सरसाइज, ध्यान से समझें आप, एक्सरसाइज आपकी 5.1 एनसीईआरटी को बेस बना के आगे बढ़ेंगे। तो आप साथ साथ बने रहेंगे, हम एक्सरसाइज 5.1 को टारगेट करके एनसीईआरटी की आगे बढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट को बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आएंगे। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए पहले हमने एक ग्राफ समझा, इनफॉर्मली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ डिसकंटिन्यूटी, व्हाट इज़ कंटिन्यूटी। तो जहाँ पर भी ये ब्रेक हो जाता है, जहाँ पर भी ये ग्राफ ब्रेक हो जाता है, वहाँ पर हमें डिसकंटिन्यूटी पता चल जाती है। हम कई ग्राफ बना सकते हैं दोस्तों, कई ग्राफ हम बनाने में थोड़ी सी हमें मुश्किल भी आ सकती है। तो वो ग्राफ ऐसे कौन से होंगे जिनकी मुश्किल, जिसमें हमें मुश्किल होगी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी अगर आपके मन में एक एक्साइटमेंट है तो मैं आपको एक ग्राफ बोल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स को यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से करते हैं। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने क्लास 11 में देखा होगा कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये क्या चीज़ है? ये एक पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये कहाँ से आता है? ये माइनस इन्फिनिटी से आता है और कहाँ तक जाता है? प्लस इन्फिनिटी तक। हमारे पास अगर टाइम हो तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में, सॉरी, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो तक नहीं बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पे ये कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है। ग्राफ बड़ा ही सिंपल है। पर क्या ग्राफ कुछ ही होते हैं? नहीं, ग्राफ तो आप जो डिसाइड कर लें, आपके दिमाग में जो विचार आ जाए वही ग्राफ बन जाएगा। तो जैसे आप एक ग्राफ जो बोल रहा था आपको कि जिसको आपको बनाने में दिक्कत जा सकती है, ये देखिए आप उदाहरण के तौर पे एक्स साइन वन बाय एक्स, और ढेर सारे ऐसे ग्राफ हैं जो आप अपने दिमाग में बोल दें कि इसका ग्राफ बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ। तो क्या सबके ग्राफ हम बना सकेंगे? नहीं, हम सबके ग्राफ नहीं बना सकेंगे। सबके ग्राफ नहीं बना सकेंगे तो फिर देयर शुड बी अ टेक्निक कि आपने कोई चीज़ बोली, जैसे मान लीजिए आपने ये फंक्शन बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है, और चलिए इस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि इस पर कहाँ फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ऐसी ढेर सारी बातें कि हम फंक्शन भी अपने मन का बोल दें, पॉइंट भी अपने मन का बोल दें। तो देयर शुड बी अ सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक अप्रोच हो जिससे हम पता लगा लें कि फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा। क्योंकि किसी के मन में फंक्शन ढेर सारे आ सकते हैं, देयर में बी इनफाइनाइटली मेनी फंक्शन, देयर में बी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो इन सारी बातों को लेकर के हम इसके सिस्टमेटिक अप्रोच पे आते हैं। तो इनफॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरह भी कहते हैं कि अगर आप एक कर्व को ड्रॉ करते हैं, कर्व को ड्रॉ करते टाइम अगर आपको पेन की टिप, पेन की नोक, तो यहाँ पे मेरे पास चौक है, तो चौक को अगर मुझे बिना बिना उठाए हुए
किसी ग्राफ को बनाना है और ग्राफ में सक्सेसफुली बना सकता हूँ तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर मुझे टिप पेन की या चॉक की टिप उठाना पड़ेगी तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो आइए कुछ ऐसे फंक्शंस पे देख भी लेते हैं, विचार भी कर लेते हैं। जैसे आपने एक फंक्शन देखा होगा जिसे हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज जीरो। अब अगर आप ये देखेंगे कि ये सिग्नम फंक्शन है, ये ध्यान से देखिए, ये आपका सिग्नम फंक्शन है, जीरो पे एक्स की वैल्यू जीरो पे जीरो है और एक्स की वैल्यू जीरो सॉरी नहीं है तो मॉड एक्स बाय एक्स है, तो मॉड एक्स बाय एक्स है तो एक्स के ऊपर दो केसेस लग जाएंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या एक्स लेस देन जीरो होगा। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड एक्स बाय एक्स यानी ये क्या हो जाएगा उस केस में, एक्स बाय एक्स, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो ध्यान से समझें, मॉड एक्स इज प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, मान लीजिए एक्स की वैल्यू माइनस फाइव है तो माइनस फाइव क्या है, लेस देन जीरो है, तो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा इस केस में, इस केस में हम प्लस एक्स नहीं लिखेंगे। अगर मैंने मान लीजिए प्लस एक्स लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस फाइव डाला, यहाँ भी एक्स की जगह माइनस फाइव डालिए तो मॉड से नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसको टू मेक इट पॉजिटिव यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस, तो एक माइनस जब हम लगा देंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो मॉड एक्स का आउटकम हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, क्यों नॉन नेगेटिव होगा, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ये तो प्लस ही रहेगा, पर अगर एक्स लेस देन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो एक्स वैसे भी नेगेटिव है और जब माइनस उसके ऊपर लगेगा तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए आप मॉड एक्स की डेफिनेशन समझ गए कि एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो दो बातें होंगी, या तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, और अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास वन। तो इस डेफिनेशन को और एक्सटेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसमें इक्वल टू जीरो की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इक्वल टू जीरो का केस इंडिपेंडेंटली दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू है, जीरो। अब अगर मॉड एक्स एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस एक्स, अपॉन वाला अपॉन में चेंज नहीं होगा क्योंकि मॉड तो केवल ऊपर पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस वन। अब अगर इसको ग्राफिकली बताएं तो ये आप ग्राफिकली प्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सारे ग्राफ्स बनाना आपके लिए थोड़ा मुमकिन मतलब पॉसिबल थोड़ा कम होगा। तो आप ध्यान से समझें, ये है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को कहेंगे वाई, अगर आप वाई इक्वल टू वन समझ रहे हैं तो वाई इक्वल टू वन क्या होती है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वाई इक्वल टू वन है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और कितनी डिस्टेंस पे होगी, यूनिट डिस्टेंस पे होगी ओरिजिन से, तो यूनिट डिस्टेंस पे वाई इक्वल टू वन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन बना दी वाई इक्वल टू वन। अब ध्यान से सुने, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी क्या, नहीं होगी। तो इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे एक हॉलो खोखला पॉइंट बना देंगे और इसको बोल्ड सॉलिड बना देंगे। तो इसका ये मतलब होगा कि जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, पर जैसे ही 0 से थोड़ी सी भी बढ़ती है, 0 से थोड़ी सी भी बढ़ती है तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जीरो से छोटी होती है, जैसे ही जीरो से छोटी होती है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस वन होने से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये भी यूनिट डिस्टेंस पे होगा लेकिन नेगेटिव साइड पे होगा, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस वन। अब इस ग्राफ को बनाने में हमें कितने पॉइंट्स पे उठाना पड़ा, तो इस पॉइंट पे हमें इस कर्व को ध्यान से देखें, यहाँ तक बनाया, फिर मुझे यहाँ पे जाना पड़ा, फिर यहाँ जाना पड़ा, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस है एफ ऑफ एक्स, कौन से पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, अभी जिस पे देखा हमने,
एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बाद वन आएगा, वन के बाद टू आएगा, और कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस है नहीं, जितना चाहे आप उतना जाते जाएंगे, ये फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये y हटा देता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स वेन एक्स इज नॉट जीरो, जीरो वेन एक्स इज जीरो, ये इसके दो केसेस हुए, ग्राफ बना दिया आपने, और आप बता सकते हो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो, ये x इज इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूस है। बहुत छोटा सा सवाल है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या वन मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हो तो ये टू मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। खैर, अभी हम डेफिनेशन पे और फोकस करते हैं और कंटिन्यूटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो और दूसरे तरीके से कंटिन्यूटी ध्यान से देखें, अगर कोई फंक्शन दिया है हमको तो उस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, अगर ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चले। मान लीजिए कि आपके पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो अब आपको मालूम है कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस पर मालूम है आपको जीरो, अगर एक्स की जगह जीरो रख देंगे हम तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, वन अपॉन जीरो, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, एरर बताएगा क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड, वन अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी होता है। और अगर इसका ग्राफ अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स को वाई लिख के वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नेम ऑफ दिस फंक्शन इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको देखो, आप यहाँ से बनाते हुए आए, यहाँ पर कौन होता है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से बनाते हुए आ रहे हैं यहाँ तक, लेकिन जब आपका जीरो आ गया तो जीरो पे आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो पे आपको उठाना पड़ेगा अब इस चौक को, पेन की टिप को, और जीरो पे क्या बन जाएगा, ये जीरो पे ये क्या बन जाएगा फंक्शन, जीरो पे फंक्शन ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये ग्राफ से हमें पता चली। आपके पास एक और कर्व है वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, या इसको ऐसा कहें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना बेहद आसान है, एक्स की कुछ वैल्यूज लें, वाई की कुछ वैल्यूज लें, सॉरी एक्स की वैल्यूज लें नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाल लें, एक्स ये ले लिया वाई ये ले लिया, जीरो रखेंगे जीरो आएगा, वन रखेंगे वन आएगा, टू रखेंगे टू आएगा, माइनस टू रखेंगे फिर टू आएगा, और उन सारे पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे लोकेट करें, जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा वन, ये वन कॉमा वन है आपका, ये आपका कौन सा पॉइंट है टू कॉमा टू है, ये टू कॉमा टू है, फिर आप ऐसे करके इनको मिला देते थे, वो मिला भी इसी वजह से देते थे क्योंकि वो क्या होते थे, माइनस वन पे कितनी आएगी वैल्यू, वन आएगी, माइनस टू पे कितनी वैल्यू आएगी, टू आएगी, फिर इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देते थे। इसको ड्रॉ करने में आपने देखा कि मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं हुई, मुझे कहीं पे भी पेन की टिप उठा, मैं मन से उठा सकता हूँ, यहाँ तक बनाया फिर मैंने उठा के यहाँ से, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि अगर बिना उठाए बना लूँ तो बिना उठाए बना सकता हूँ, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस कहाँ होगा, तो ये यहाँ से चालू हो जाता है माइनस इन्फिनिटी, ख़त्म कहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी पे, तो मैं ऐसा कहूँगा ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इन आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर का ही मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये कहाँ कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है पूरे में कंटिन्यूस है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे एक्सेप्ट जीरो, तो ये कंटिन्यूस है, किस में कंटिन्यूस है, इन आर माइनस जीरो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। तो ये ग्राफिकली देखा हमने कंटिन्यूस है। साइन एक्स को देखो, साइन एक्स बहुत पॉपुलर है, साइन एक्स का अगर कर्व देखोगे आप, हम एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से देखेंगे, यू नीड नॉट टू वरी, आप साथ साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, आप सारी डिस्कशन समझ जाएंगे। साइन एक्स को देखिए आप, साइन एक्स का कर्व कैसा बनता है, ये बना साइन एक्स का कर्व, आप जितना चाहे जब तक चाहें साइन एक्स को आप बनाते रहेंगे, साइन एक्स क्या बन जाएगा, साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा, तो ये कर्व है साइन एक्स का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स या वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या हुआ, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इन आर, पूरे रियल नंबर के पूरे डोमेन में,
पूरे डोमेन में, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पूरे डोमेन में ये क्या चीज है? पूरे डोमेन में ये कंटिन्यूस है। कॉस एक्स को देखिए, कॉस एक्स भी इसी तरह से है। कॉस एक्स को भी अगर आपको ड्रॉ करना है तो कॉस एक्स के लिए भी आपको कहीं पे भी पेन की टिप उठानी नहीं पड़ेगी। ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आपका कॉस एक्स चलता जाएगा। ये किसका फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस है। कहाँ पे कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस इन आर, पूरे डोमेन के अंदर कंटिन्यूस है। कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं है, देर इज नो पॉइंट इन रियल लाइन वेयर इट इज डिसकंटिन्यूस, जहां पर ये डिसकंटिन्यूस हो। तो ये तो ग्राफिकली हमने चेक किया कि ये कंटिन्यूस होते हैं कि नहीं होते। अब चलिए आप इसकी जो सिस्टमेटिक डेफिनेशन है, लेट्स कम टू द डेफिनेशन नाउ कि वो डेफिनेशन क्या कहती है। उस डेफिनेशन को समझने से पहले भी एक छोटी सी बात पे गौर करना होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इस पे आप फोकस करिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर देखिए वाई को एफ ऑफ एक्स कहते हैं हम, वाई इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए। अब आपको इस पॉइंट पे चेक करना है कि ये पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये कंटिन्यूटी, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये कर्व इतना सिंपल और सोबर है कि आपको दिख रहा होगा कि ये तो कंटिन्यूस ही है। लेकिन जब मैं आपको इसके ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे, आप इस वाले कर्व का, इस वाले कर्व का, या और बहुत सारे कर्व हैं जिनके आप ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे, तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन सा होगा। आपकी आँखों को दिखाई नहीं देगा कि उस पॉइंट पे, पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे क्या होने वाला है। क्या उस पे एक बहुत बारीक सा पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है और मेरी नज़र में नहीं आ रहा है? क्योंकि ग्राफ कुछ इस तरह से भी होते हैं, आप अगर देखिएगा तो इस तरीके से ग्राफ होंगे। अब आप बताइए कि अपनी आँख कहाँ से इसको पकड़ पाएगी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्या आप क्या होने वाला है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स में देखिए, आप कभी भी कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं तो लाइन की थिकनेस जीरो होती है, पर अभी मैं जब इस लाइन को, इस कर्व को ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसकी तो अच्छी खासी थिकनेस हो रही है, तो ये मेरी नज़र में आ रही है। लेकिन जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट और लाइन, लाइन की जो, लाइन का जो थिकनेस होता है वो ज़ीरो माना जाता है, पॉइंट का एरिया ज़ीरो माना जाता है, वो नज़र भी नहीं आता है। ये तो बहुत स्मूथ कर्व है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। पर कई बार ऐसा होगा कि इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये है एक कर्व और इसके किस पॉइंट पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कैसे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे डिस्कशन करेंगे, क्या आउटपुट होगा, कैसे निकालेंगे, एक कन्फ्यूजन का विषय है। तो देयर इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच और लेट अस सी दैट अप्रोच कि एक्स इज इक्वल टू ए है, एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ ए। एक्स इज इक्वल टू ए से पीछे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम धीरे 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 बढ़ते रहते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम से जंप करके हम कहाँ निकल जाते हैं, इनफाइनाइट पे निकल जाते हैं, जैसा आपने इस पे देखा होगा। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, आप ये वाला देखिए y इक्वल टू वन अपॉन x जैसे हमने डिस्कस किया था। अब इसमें हम x की वैल्यू, जैसे ध्यान से दीजिए, देखिए आप x की वैल्यू आप रखते जाइए, x की वैल्यू आप रखेंगे 1 रखेंगे 1 बाय 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे 1 बाय 2 आएगा, 1 बाय 3 आएगा, लाइक वाइज आता जाएगा। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जब x की वैल्यू आप कम करते जाएंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे आप, x की वैल्यू 0.1 रख दी आपने, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1/0.001 रख दी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 1/0.0001 रख दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो आप x की वैल्यू क्या करते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो, इधर की तरफ आ रहे हो, तो ये कहाँ जाता जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। एकदम से जैसे ही x की वैल्यू क्या रख दी आपने, 0 रख दी, तो 1/0 पे अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और ये क्या वैल्यू दे देगा आपको, इन्फिनिटी दे देगा। तो पहले जो इसमें ध्यान से देखें, इसको स्टीप फंक्शन कहते हैं, एकदम से गिरता है। ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ से चल रहे हैं, जीरो से जाएंगे हम, अभी ये डायरेक्शन लिया हमने,
पर अगर आप जीरो रखेंगे तो जीरो पे तो आप अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। जीरो पे बोलना आसान है कि 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी, पर अगर 1/0 आएगा तो 1/0 के लिए कब आएगा आपका, जब आप जीरो के, इज दिस जीरो, नो दिस इज नॉट जीरो, ये जीरो है नहीं है, तो इसकी वैल्यू 10 है, ये जीरो है नहीं, ये जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू 100 है, इज दिस जीरो, नो दिस इज नॉट जीरो, तब इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 है। अगर मैंने ऐसा कर दिया 1/0.0000 और यहाँ पर मैंने लिख दिया भोपाल, तो आउटकम क्या आ जाएगा अपने पास, 1000000 भोपाल। क्या ये जीरो है? नो दिस इज नॉट जीरो, जीरो इससे भी छोटा है। तो ऐसे पॉइंट पे कि हम जब जीरो की ओर कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अप्रोच टूवर्ड्स जीरो बट वी आर नॉट अप्रोचिंग टू जीरो, हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं पर जीरो पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस कर्व पे आप ऐसा देखें कि हमको उस पॉइंट पे पहुंचना है तो बहुत धीमे धीमे पहुंचना पड़ेगा, आपको बोले धीमी धीमी रफ्तार से यहाँ बढ़ना पड़ेगा। पहले जीरो से जीरो पॉइंट जीरो से देखिए, ये जीरो की तरफ बढ़ना है तो आप यहाँ पर होंगे कहीं पे, 0.1 तो बहुत करीब होगा, मैं मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप 0.1 है, फिर 0.1 से कहाँ जाएंगे, 0.001 पे, फिर और करीब, और करीब, और करीब, ऐसे करके वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी ऐसा ही है हमारे पास, तो इसमें पहुँचने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका है हम इधर से पहुँचेंगे और एक तरीका है हम इधर से पहुँचेंगे। देखिए अगर मैंने ये है, मुझे इस तरफ से आना है, इस तरफ से आना है, अगर दोनों तरफ से मैं आ जाता हूँ और दोनों तरफ से आने पे मुझे ये पॉइंट पकड़ में आ जाता है, अगर दोनों तरफ से आने में मुझे पॉइंट पकड़ में आ जाता है, मैं इस तरफ से भी अप्रोच करूँगा, इस तरफ से भी अप्रोच करूँगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की, एफ ऑफ ए, तो ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू ए के जो लेफ्ट साइड में है, जो राइट साइड में है, मैं चाहूँगा कि वो करीब करीब रहें, बहुत दूर दूर रहेंगे तो फिर कंटिन्यूटी इतनी दूर है मान लीजिए, तो क्या मतलब है, मुझे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब डिस्कशन करना है तो मैं पॉइंट के बहुत करीब करीब बात करूँगा। जैसे मुझे इस पे मान लीजिए जीरो पे डिस्कशन करना है, इस कर्व को ही आप उदाहरण के तौर पे लें, मुझे जीरो पे डिस्कशन करना है तो मैं यहाँ से क्यों चलना चालू करूँगा, यहाँ से चलूँगा तो यहाँ से तो कंटिन्यूस है ही ना, तो मैं कौन से पॉइंट पे, जीरो के बहुत करीब से चलना चालू करूँगा। जैसे मैंने यहाँ 0.1 से चालू किया था, इधर भी मैं किससे चालू करूँगा, और करीब से, और करीब आ सकता हूँ क्या मैं, हाँ और आ सकता हूँ तो और आ जाऊँगा, इधर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करूँगा। तो वैसे ही मुझे ए के इधर एक पॉइंट लेना है, उसको मैं कहूँगा ए माइनस एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन है तो यहाँ पे क्या होगी उसकी वैल्यू, जैसे ध्यान से देखिए, ये ए है तो ये एफ ऑफ ए है, यहाँ पे हो जाएगी एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे कितनी हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, पर आपके यहाँ जो आपकी बुक है उसमें एप्सिलॉन का यूज़ ना करते हुए उन्होंने एच का यूज़ किया है, तो यहाँ एच लिख देता हूँ मैं एच, लेकिन H में भी खास बात वही है, क्या होना चाहिए, H शुड टेंड टू जीरो, H बहुत करीब होना चाहिए, H बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे A पे चेक करना है तो मैं A के बहुत करीब से इधर से भी अप्रोच करूँगा, उधर से भी अप्रोच करूँगा, इधर से भी और उधर से भी। तो देखिए जैसे जैसे मैं H को छोटा करूँगा, H को छोटा करूँगा, H को कम करूँगा, तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी बात। जैसे मान लीजिए कि ये कर्व है आपका, इस कर्व का वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको ही एफ ऑफ एक्स कहते हैं, इस पे एक पॉइंट है 2, हमने इस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी, तो 2 से छोटा पॉइंट लूंगा मैं, तो 2 से छोटा पॉइंट क्या लिया मैंने, मान लीजिए 2 से छोटा पॉइंट मैंने ले लिया, एच की वैल्यू इस केस में ले ली है 0.1, तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 1.9। अब एच की वैल्यू मैंने और कम ले ली, एच की वैल्यू और कम ले ली, अब 1.9 और 2 बहुत करीब करीब है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 1.9 थोड़ा इतनी दूर है, आप इसको बड़े लेवल पे ग्राफ को समझ ले कि ये 1.9 है, एच की वैल्यू और कम कर दी, एच की वैल्यू 0.1 से और कम कर दी, क्या कर दी आपने 0.001 कर दी मान लीजिए,
तो यहाँ पर मैं जो लेना चाह रहा था लेफ्ट साइड में, कौन सा पॉइंट लेना चाह रहा था, 2 माइनस h, तो 2 में से जब 0.01 कम कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1.99। तो 1.99 ध्यान से देखिए, 1.9 और 2 इधर आ जाएंगे हम। अगर h की वैल्यू और कम करेंगे तो इधर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए h की वैल्यू मैंने और कम कर दी, 0.001 कर दी, तो 2 माइनस h क्या हो जाएगा, 2 माइनस h हो जाएगा आपका 1.999। तो ये और करीब आ जाएगा, और h जैसे जैसे कम होता जाएगा तो मतलब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, इस तरफ से मूव कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये वाली जो चीज़ है ये a माइनस h, जैसे जैसे इधर आएगा तो हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, तो ये जो है एफ ऑफ ए माइनस एच, ये इस तरफ ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की, लेफ्ट हैंड, क्योंकि हम लेफ्ट तरफ से मूव करके कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, एफ ऑफ ए पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज कॉल्ड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इससे हम यहाँ पहुँचेंगे। जैसे जैसे हम h का वैल्यू गिराएंगे तो इस साइड पे क्या होने वाला है वो भी देखिए आप। ये देखिए, ये कर्व है हमारा, ये x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 4 है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 2 है, ये यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू 2 प्लस h है। अब अगर h की वैल्यू मान लीजिए कि h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू मान लें अगर हमारे पास है 0.1, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.01। तो मान लीजिए यहाँ पर है, h की वैल्यू और छोटी कर दी हमने, अब h की वैल्यू 0.01 कर दी, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट कौन सा वाला, x प्लस h, सॉरी 2 प्लस h, 2.01 हो गया। अब h की वैल्यू और कम कर दी आपने, 0.001, तो ये हो जाएगा 2.001। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये 2.1 है, 2.01 कहाँ होगा, आगे नहीं होगा, वो पीछे की तरफ होगा, 2.001 और इधर करीब होगा। यानी हमारा मूवमेंट किस तरफ है, हमारा मूवमेंट इस तरफ है। और कर्व में देखिए, कर्व में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें आप, इस तरफ का मूवमेंट है। तो हम राइट डायरेक्शन से इस तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे हम एच कम करते जाते हैं तो राइट डायरेक्शन से इस तरफ मूव करते जाते हैं, तो इसको कहते हैं RHL। RHL इज व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट है। तो आपने लिमिट्स में देखा होगा क्लास 11 में, कि लिमिट्स में आपने देखा कि लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती हैं, जब RHL और LHL दोनों इक्वल हो जाते हैं और दोनों की वैल्यू फाइनाइट एंड फिक्स्ड हो जाती है, तो कहते हैं हम कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अब हमारे पास वन मोर कंडीशन इज देयर, कि RHL और LHL बराबर हों, और बराबर होते होते ध्यान से देखें, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू यहाँ बढ़ती जाएगी और उसकी वैल्यू यहाँ बढ़ती जाएगी, और वो दोनों कहाँ पर मीट आउट करेंगे, एफ ऑफ ए पे। तो अगर ऐसा होता है कब, जब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, देन वी यूज टू से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। तो व्हेन डू वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस, हम जब फंक्शन कंटिन्यूस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए इफ, ये इसकी सिस्टमेटिकली डेफिनेशन है, व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, देर आर थ्री थिंग्स, LHL, RHL, एफ ऑफ ए, तीनों बराबर हो। और एक और चीज़ है आप ध्यान रख सकते हैं, कि ये फाइनाइट एंड फिक्स्ड हो, अगर ये तीनों बराबर हो के फाइनाइट हो, फिक्स्ड हो, तब हम क्या कहेंगे, देन वी यूज टू से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। और अब देखा होगा आपने, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इन दोनों का जो आउटकम होता है उसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं,
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये जब दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए। तो ये कंटिन्यूटी की अल्टरनेट डेफिनेशन है, पर इसके लिए भी जरूरी है व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस कि LHL RHL इक्वल होना। LHL RHL इक्वल कब होंगे तो ये कभी कभी कॉमन सेंस से भी पता लगेगा, मैं आपको और डिस्कस करके बताऊंगा। वैसे सारे केसेस में आप LHL RHL पता लगा सकते हैं, पर देखा होगा आपने लास्ट ईयर भी कि आपके पास कभी ऐसा सवाल आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कि मॉड मॉड पे हम बार बार फोकस कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा दिया आपको एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन, एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन वन, और आपको बोलेंगे कि फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स, तो आप क्या करते हो, RHL पे भी डिस्कशन करते हो, LHL पे भी डिस्कशन करते हो, और सोचो क्यों नहीं करोगे, आपको कौन से पॉइंट पे पूछ रहे हैं, वन पे पूछ रहे हैं, तो वन पे आपको जब अप्रोच करना है कोई भी कर्व, मान लीजिए इसका कर्व का ग्राफ इस तरीके का है, ये वन है, तो वन पे आपको अप्रोच करना है, तो इधर से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तो वन माइनस एच से करोगे, इधर से जब आप अप्रोच करोगे तो किस पे करोगे, वन प्लस एच से करोगे, वन माइनस एच मतलब वन से छोटा तो ये वाला फंक्शन आएगा, और वन प्लस एच तो ये वाला फंक्शन आएगा। लेकिन अगर आपको इसकी जगह ऐसा दे देते हैं, कैसा दे देते हैं, मान लीजिए आपको एक ही दे दिया आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन दे दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू टू एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। तो इसमें एक ही फंक्शन है जिसमें दोनों तरफ से हमें अप्रोच करना है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करेंगे तो भी एक्स की इसी में रखना है मुझे वैल्यू, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो भी इसी में रखूंगा वैल्यू। क्यों क्यों, मुझे अगर मान लीजिए एफ ऑफ टू माइनस एच रखना है, ये निकालना है, तो टू माइनस एच मुझे इसी में रखना है, मुझे एफ ऑफ टू प्लस एच निकालना है तो टू प्लस एच भी मुझे किस में रखना है, इसमें रखना है, लेकिन इसमें चॉइस है, क्या चॉइस है, वन माइनस एच रखिए तो इसमें रखिए, वन प्लस एच रखिए तो किस में रखिए, ऊपर वाले में, क्यों एच, और एक बात का ध्यान रखें, एच बाय डिफॉल्ट एच निग्लिजिबल होता है, पर एच क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, एच हमेशा क्या होता है, एच हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आप बात को हमेशा दिमाग में रख लें कि एच हमेशा कैसा होता है, एच हमेशा पॉजिटिव होता है, एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये बात आप ध्यान रखें। अब LHL और RHL समझें, आप LHL और RHL को लिखने का एक और अल्टरनेट तरीका होता है, वो इसी के बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ये LHL को लिख सकते हैं, तो कुछ लोग इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरी हो गई है आपकी और राइट हैंड लिमिट। तो अगर आप अश्योर्ड हो, आपको मालूम है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी, तो फिर आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बात की कोई मैंने चिंता की ज़रूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड निकालेंगे। अगर हम ये भी प्रूव कर देते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 5x माइनस 3। अब एक ही केस दिया हुआ है और कंटिन्यूटी चेक करना है हमें 0 पे, माइनस 3 पे और 5 पे। कंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, माइनस 3 पे चेक करना है और 5 पे चेक करना है। तो ये एक ही केस है और बहुत सिंपल सा केस है, तो हम कंटिन्यूटी इसी तरीके से चेक कर लेंगे। किस तरीके से, तो पहले आप तीनों की वैल्यू निकाल लें, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 0 माइनस 3, माइनस 3 आ जाएगी। एफ ऑफ माइनस 3 की कितनी आएगी, तो 5 × -3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 18। और एफ ऑफ 5 की वैल्यू आएगी आपके पास
22, और अब आप इसकी लिमिट भी निकाल लें। तो अगर आप ये लिमिट निकालने जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू, कौन से पॉइंट पे निकालना, a पे, a यहाँ पे कौन सा है, ये सारे a है, ये x इज इक्वल टू a है, ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, a होते हैं, ये सारे a होते हैं, ये जितने भी हैं सब a हैं, तो a की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x मतलब एफ ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ x का वैल्यू 5x माइनस 3, और 5x माइनस 3 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यही आ जाएगा 5 इंटू जीरो माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, और ये किसके बराबर है, ये एफ ऑफ 0 के बराबर है। और दूसरा केस x इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 एफ ऑफ x, ये वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 एफ ऑफ x, एफ ऑफ x का वैल्यू रख दीजिए 5x माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, और वही इसके बराबर है, किसके बराबर है, एंड विच इज सेम एज एफ ऑफ माइनस 3। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो आपको लग रहा होगा कि ये तो हमेशा ही होगा, ये हमेशा होगा, लेकिन एक केस मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, उसका भी एक एग्जाम्पल आप देखिए, वो आपकी बुक के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया उन्होंने, ऐसा दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 दे दिया आपने, है ना, और आपको यहाँ पे दूसरा केस दे दिया, यहाँ पे दे दिया 10, यहाँ दे दिया एक्स नॉट 5, और यहाँ पर क्या दे दिया, एक्स इज इक्वल टू 5। तब आप देखिए कि अगर आप डायरेक्ट इस पे 5 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 25, 25 माइनस 25, 5 माइनस 5, 25 माइनस 25 0, और 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमेशा नहीं होगा ट्रू इस तरीके से, लेकिन हाँ जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगा के आप करेंगे तो देखिए, आप लिमिट लगा देते हैं इसमें, इसमें देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, एफ ऑफ 5, और मान लीजिए अभी तो मैंने 10 दिया हुआ है, अगर 10 की जगह 7 दे देता मैं तब क्या होता, तो एफ ऑफ 5 क्या हो जाता, 7 हो जाता, और यहाँ पर क्या हो जाता आपका, लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5, फिर क्या होता, लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन x माइनस 5, ये इससे कैंसिल हो जाता, और यहाँ पे क्या आ जाती, x की जगह रख देते तो इसकी वैल्यू आ जाती 5 प्लस 5, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो इसलिए ये कैसा फंक्शन हो जाता आपका, डिसकन्टीन्यूअस हो जाता, तो ये डिसकन्टीन्यूअस हो जाता। तो इन सारे केसेस में, इसके जो तीनों केसेस थे, जो जीरो के लिए था, जो माइनस 3 के लिए था, उसी तरीके से आप 5 के लिए भी कर सकते हैं, वो तीनों केसेस सिंपल हैं और बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। अब अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, देखिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और 2 में ये खास बात है, ये मैं ऊपर लिख देता हूं आपको, इससे आपको बहुत काम रहेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास, एफ ऑफ ए, अगर ऐसा होता है तो इसको कंटिन्यूअस कहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3, इस पे पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो एक काम करेंगे, यहाँ हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 3 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, दूसरी साइड क्या नहीं, सॉरी 9 टू 18 माइनस 1 17 आ जाएगा, और ये निकालेंगे हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ x की जगह रख देंगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल उसी के जैसा है। तो ये बेहद आसान है, पर आपको थोड़ा प्रेजेंट करने आना चाहिए, आपको लिखने का तरीका 9 टू या 18 माइनस 1, और कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे जब करते जाएंगे तो आपको आती जाएंगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें क्या हुआ, आप एट द एंड आप ये लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, दोनों सेम आ गए। देयर फोर फंक्शन इज व्हाट, देयर फोर फंक्शन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये कंटिन्यूस होगा, ऐसे सारे पे होगा, 3 पे नहीं होगा, 3, 2, 1, 4, 5, 7 जिस पे भी रख दोगे तो कंटिन्यूस होगा, 0 पे भी होगा, सब पे होगा। तो ये क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है। और एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी पॉलीनामियल होंगे, कोई भी पॉलीनामियल हो, तो पॉलीनामियल कौन होते हैं, तो पॉलीनामियल आपको मालूम होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए एन, इसमें x की जगह कुछ भी लो, 0, 1, 2, 3, -1, -1.5, 2, √3, √4, √7, तो ये सब पे कंटिन्यूस होता है। तो अ पॉलीनामियल इज कंटिन्यूस इन R, R मतलब रियल नंबर्स, पॉलीनामियल हर रियल नंबर की वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज कंटिन्यूस इन R। अब आपको देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए। अब आपको पॉइंट नहीं मेंशन किया, अभी तक पॉइंट मेंशन कर रहे थे, तो फिर आप क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लो आप, x इज इक्वल टू ए ले लीजिए मान लीजिए, और ए मान लें कि ए कौन है, रियल नंबर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर है, और निकालेंगे क्या निकालेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड, ये प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको, x माइनस 5 इसकी जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 5 हो जाएगा, और f ऑफ a भी निकाल लें, f ऑफ a भी क्या आएगा, a माइनस 5, तो क्या आ गया आपके पास, तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ a, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, a कोई भी हो रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर हो, सबके लिए ऐसा हो रहा है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, देयरफोर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस इन आर, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिफ्थ का, सॉरी फिफ्थ तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, अब थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, ऐसे आप धीरे धीरे करते रहेंगे, साथ साथ बने रहेंगे, सारे वीडियोज देख लेंगे, हर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी का, आप एक बार समझ लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप अगला क्वेश्चन देखें, जो थर्ड का सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x-5), इसमें इन्होंने दे दिया है एक्स इज नॉट व्हाट 5, क्योंकि एक्स की अगर 5 रख देते तो क्या हो जाता, तो आप जानते हैं 1/(5-5), 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी हो जाता, फिर प्रॉब्लम हो जाती, तो उन्होंने 5 को पहले डिस्कार्ड कर दिया है। तो 5 को जब पहले डिस्कार्ड कर दिया तो हम x की जगह x की वैल्यू लेंगे, कोई सी वैल्यू लेंगे, a कहाँ से लेंगे हम, a कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन वो 5 नहीं होगा। फिर क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, बिल्कुल सिंपल है जैसा मैं आपको बताया, बिल्कुल सिंपल है, दोनों तरफ रखना है, रखने से बराबर आ जाएगा a माइनस 5, a की वैल्यू 5 है ही नहीं, a इज नॉट व्हाट 5, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। और एफ ऑफ a क्या होगा, एफ ऑफ a डायरेक्ट निकाल लें आप 1/(a-5), तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बेहद आसान बात है, आपको सॉरी एफ ऑफ ए लिखना है यहाँ पे, बहुत आसान बात है, बस कुछ भी नहीं करना, दोनों तरफ रख देना है और रख के बराबर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक लगभग इसी तरह का काम करना है और उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये आ गया इसका, अब थर्ड का थर्ड का सी, एफ ऑफ एक्स दे दिया हमको एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5, और एक्स इज नॉट व्हाट, एक्स इज माइनस 5 नहीं है, ये दिया हुआ है हमको,
ये वाला फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, तो ये लिख दीजिए आप एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर माइनस फाइव, सब पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट फाइव। अब दूसरा केस ये जो थर्ड का सी है, इस पे हमें कहाँ, इसको कहाँ पे चेक करना है हमें, तो इसमें माइनस फाइव को छोड़ के सब जगह की बात करना है। तो अब हम सारे बात तो कर नहीं सकते हैं, तो हम वही एक्स की जगह क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, और हम लिख दें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ रख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ए सॉरी लिमिट एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन ए प्लस एक्स प्लस फाइव। अब एक्स की जगह क्या रख दें हम, ए रख देते हैं, तो एक्स की जगह ए रख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव ए प्लस फाइव। इसके फैक्टर बना लें हम, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ए माइनस फाइव ए प्लस फाइव अपॉन ए प्लस फाइव, ए प्लस फाइव ए प्लस फाइव को कैंसिल कर दें, ये आ गया आपका ए माइनस फाइव। और यहाँ ध्यान से देखें कि एफ ऑफ ए क्या होगा, तो एफ ऑफ ए भी वही होगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन ए प्लस फाइव। इसमें फैक्टर बना देंगे ए माइनस फाइव ए प्लस फाइव ए प्लस फाइव, ए प्लस फाइव से ए प्लस फाइव कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए ए ए कौन है, एक्स ए है और ए कौन है, ए कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट माइनस फाइव, तो ए सारे रियल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है पर माइनस फाइव नहीं कर सकता, तो ए माइनस फाइव नहीं है। अगर ए माइनस फाइव होता तो फिर ये कैंसिल नहीं होता। तो जो अब तक हम कहते थे, मान लीजिए आप कहते थे टू स्क्वायर अपॉन टू टू ट्रू, थ्री स्क्वायर अपॉन थ्री थ्री ट्रू, अगर आपसे कोई अब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पूछेगा तो अब आपको चुप होना है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स जब ही होगा जब एक्स क्या नहीं होगा, जीरो होगा, नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को अब आप एक्स लिखेंगे, लेकिन एक्स का ध्यान रखेंगे कि एक्स शुड नॉट बी व्हाट, एक्स शुड नॉट बी जीरो, एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक्स जीरो हो जाता है तो फिर सम प्रॉब्लम इज देयर। अब आपका जो फिफ्थ थर्ड का डी पार्ट है उसको देखते हैं, थर्ड के डी पार्ट को देख लें। थर्ड के डी पार्ट में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव। अब मॉड का केस है, तो मॉड के केस में दो पार्ट हो जाते हैं, दो पार्ट कहाँ कहाँ हो जाते हैं, तो सुनिए, मॉड के केस में जैसे मैंने मॉड की डेफिनेशन बताई थी कि ये एक्स माइनस फाइव होगा जब x माइनस फाइव ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, एक माइनस x माइनस फाइव होगा जब x माइनस फाइव लेस देन जीरो होगा। अगर इसको ठीक से लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दीजिए x ग्रेटर और इक्वल टू फाइव, इसको ठीक से लिखना है तो ऐसा लिख दीजिए x लेस देन फाइव। तो इसका मतलब है कि इसके बिहेवियर में कहाँ कहाँ चेंज आएगा, x इज इक्वल टू फाइव पे चेंज आ रहा है क्योंकि x ग्रेटर और इक्वल टू फाइव पे ये है, x लेस देन फाइव पे ये है। तो हम x इज इक्वल टू फाइव का डिस्कशन अलग से कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू फाइव के डिस्कशन के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या फॉर्मूला है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच। अभी हमने x इज इक्वल टू क्या लिया फाइव, तो a कौन हो गया हमारा फाइव हो गया, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ फाइव प्लस एच, तो इसमें फाइव प्लस एच रख दूंगा, तब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो फाइव प्लस एच, सॉरी इस वाला है ना फाइव प्लस एच मतलब ग्रेटर देन फाइव, तो इसमें रख दीजिए आप, तो फाइव प्लस एच माइनस फाइव, ये फाइव से फाइव कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, h की वैल्यू निकली जी वाले जीरो हो गई। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ फाइव माइनस एच, ए माइनस एच आना चाहिए यहाँ पे,
ए की वैल्यू 5 है तो एफ ऑफ 5 माइनस एच, तो यह आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 5 माइनस एच, 5 माइनस एच मतलब लेस देन 5, तो कौन सी वाले इसमें चला जाएगा, माइनस 5 माइनस एच माइनस 5, ये 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी एच आ गया, एच की जगह 0 रखेंगे ये भी 0 आ गया। और तीसरी चीज़ भी निकालनी होती है हमें एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 क्या है, तो एफ ऑफ 5 देख लें इसमें, 5 माइनस 5 ये भी 0 है, तो क्या क्या बराबर आ गया, सिंस आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये सब बराबर आ गए, आर एच एल भी आ गया, एल एच एल भी आ गया और एफ ऑफ 5 आ गया, तो ये कंटिन्यूस हो गया, कहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू 5। लेकिन हमें केवल 5 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, हमें कंटिन्यूटी पूरे रियल नंबर्स के केस में चेक करना है। तो पूरे रियल नंबर्स के केस में क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपका नंबर 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा, तो 5 से बड़े होने में सारे केस यही लगेंगे। तो मान लो कि एक हमने नंबर लिया सी, सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो उस केस में मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू सी निकालना चाहूँगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सी माइनस 5, और एफ ऑफ सी भी कितना होगा, एफ ऑफ सी भी इतना ही होगा सी माइनस 5। और अगर मेरा सी 5 से छोटा होगा तो मुझे कौन से इसमें जाना है, तो इस केस में लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ रखेंगे आप एक्स की जगह सी, तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस 5, 5 माइनस सी, और एफ ऑफ सी रखना हो तो सी 5 से छोटा है तो भी इसी में रखेंगे तो भी बराबर आएगा, तो ये कैसा हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूस इन आर, ये भी किस में कंटिन्यूस हो गया, आर पे कंटिन्यूस हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 5 से बदलाव आएगा, चेंज विल अपियर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। फोर्थ भी सिंपल है, फोर्थ में आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और एन एक नेचुरल नंबर ये दिया है, अगर एन की वैल्यू माइनस 1 हो जाती तब क्या होता, तो ये हो जाता है एक्स की पावर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स, और एक्स जब 0 होता तो डिसकंटिन्यूस हो जाता ना, इस पे कहाँ हो जाता डिसकंटिन्यूस, 0 पे, अगर एक्स की वैल्यू एन की वैल्यू माइनस 2 होती तो ये क्या हो जाता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम प्रॉब्लम, एक्स की जगह क्या हो जाता 0 पे डिसकंटिन्यूस, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर, एन फिर क्या हो सकता है 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो हम वही लेंगे x इज इक्वल टू a कोई रियल नंबर है, और क्या निकालेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू a एफ ऑफ x, लिमिट एक्सटेंड्स टू a टू द पावर n, सॉरी x टू द पावर n, x की जगह a रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा a टू द पावर n, और एफ ऑफ a अलग से निकाल लीजिए, जब एफ ऑफ ए निकालेंगे आप यहाँ पे एक्स की जगह ए रख के, तो ये भी ए टू द पावर एन आएगा, देयरफोर ये दोनों बराबर आ गए, कौन दोनों, ये और ये, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये क्या हो गया फंक्शन, देयरफोर फंक्शन इज कंटिन्यूस, देयरफोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूस इन आर, पूरे रियल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां से चेंज की प्रक्रिया चालू होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार, अब तक के सारे सवालों में सबसे अच्छा सवाल क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स एफ इज डिफाइंड बाय, ये आपको दिया रहेगा तो इसमें आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ एक्स
और बोल कई एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ऐसा ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते, जब यहाँ से ओपन करते तो यहाँ क्लोज क्यों नहीं करते, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पूछा है इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना है वो देखिए, कंटिन्यूटी चेक करना है आपको जीरो पे, वन पे और टू पे, तीन पॉइंट्स हैं, देर आर थ्री पॉइंट्स। तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, सबसे पहले जो पहले दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आप जीरो पे ध्यान से देखें, जीरो पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि जीरो से छोटे के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड से चलता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो सब में लगा सकते थे और वो टाइम वेस्टिंग टाइप था, लेकिन इस पे देखिए, इस पे जैसे वन है, कौन सा पॉइंट है, वन है, तो वन पे दो केसेस है, वन लेस देन वाला है और वन ग्रेटर देन वाला, तो वन में तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लगेगा ही लगेगा, और जीरो पे भी मैं आपको इसलिए लगा के बता देता हूँ ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ, ये आपका a होगा, f ऑफ a प्लस h, ये आप ये समझ लीजिए कि आपका फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। अब जीरो प्लस h मतलब जीरो से बड़ा, कितना बड़ा, बहुत निग्लिजिबल, जीरो एच की वैल्यू कितनी है मैंने बताया ना, इतनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, हम बोल भी नहीं सकते, इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी कि हम कभी बोल नहीं सकते, इस जीवन, अगले जीवन और किसी जीवन में नहीं बोल सकते, इतनी छोटी होती है। तो ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू है जो, तो जीरो प्लस एच का भी यही वैल्यू होगा। ये आप देखिए, वन से छोटा है कि बड़ा है, तो आप देखेंगे कि आप नोट कर रहे होंगे कि ये वन से छोटा है, तो वन से छोटा है तो ये वैल्यू इस फंक्शन में जाना चाहिए इसमें, क्योंकि वन से छोटे के लिए ये केस है। तो कहाँ रखें हम इसको, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो जब आपकी वैल्यू इसके लिए, सॉरी दोनों में मैंने फाइव लिख दिया, एक में एक्स है, एक्स ये क्वेश्चन में एक्स, यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ पर हमें एक्स लिखना है, तो ये इसमें जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसी में जाएगी जीरो प्लस h, h की जगह क्या रख देंगे जीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, h इतना है, जीरो माइनस एच क्या होगा, जीरो माइनस एच यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो भी ये क्या होगा, वन से छोटा, उसी में जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच, एक्स की जगह हम जीरो माइनस एच रख देंगे। अब एच की जगह एच टेंड्स टू जीरो है तो क्या होगा, जीरो। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो जीरो प्लस एच है, ये जीरो माइनस एच है, आप इसके बेसिस पे नहीं सोचेंगे, आप इसके आउटकम पे जाएंगे, आंसर आपका एच में कभी भी नहीं होगा, आंसर आपका आउटकम जो होगा, आउटपुट होगा, वो एच को हटा के होगा। तो ये देखिए आपका आउटपुट है, यहाँ पे मत देखें आप कि ये दोनों बराबर हैं, यहाँ जीरो प्लस एच है, यहाँ जीरो माइनस एच है, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल, नो नो नो, इट्स नॉट ट्रू, ऐसा कभी नहीं होगा। और तीसरी चीज़ है, आपको देखना है एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो देखिए, एफ ऑफ जीरो इसी में जाएगा x लेस देन और इक्वल टू वन में, तो ये हो जाएगा जीरो। तो आप देखेंगे कि आर एच एल इज इक्वल टू कितना हो गया, एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो ये कंटिन्यूस हुआ, कौन से पॉइंट पे, कौन कंटिन्यूस हुआ, f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो। अब हमें कौन से पॉइंट पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, दो और पॉइंट्स बचे हैं हमारे पास, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन, एट x इज इक्वल टू वन, वन पे देखें राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, वन प्लस एच कौन से अकाउंट में जाएगा, वन से बड़े वाले में, वन प्लस एच इसमें जाएगा, x की जगह में हमें क्या रखना है, वन प्लस एच रखना है, लेकिन आउटपुट कितना होगा, आउटपुट तो जिद है, फाइव ही होगा, तो ये फाइव हो गया, तो यहीं लिख देता हूँ मैं फाइव। आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आउटपुट फिक्स है। एल एच एल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, वन से थोड़ा सा छोटा, तो वन से थोड़ा भी छोटा होगा तो वो ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस एच, इसमें एक्स है
तो x की जगह 1 माइनस h रखेंगे, h की जगह 0, तो ये 1. RHL इज नॉट इक्वल टू व्हाट? RHL इज नॉट इक्वल टू LHL. तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू नहीं निकालना है. अगर निकालना पड़ी तो फिर इसी से निकलेगी. f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? 1. तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL. देयरफॉर फंक्शन इज f इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट? एट x इज इक्वल टू 1. 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा. अब अगला पॉइंट जो हमारा बचा दोस्तों, वो कौन सा बचा है? आपका पॉइंट 2 बचा. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस एच, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 माइनस एच. अगला पॉइंट है जो 2 पे, तो 2 पे चेक करना है आपको. अब 2 प्लस एच, ध्यान दें, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच यानी 2 से बड़ा. 2 से बड़ा तो नेचुरली 1 से भी बड़ा होगा. तो f ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू इसमें आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. इसमें लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं था. f ऑफ 2 माइनस एच, f ऑफ 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये इस केस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि h की वैल्यू निकली जी भले कितनी है, 0.000001. तो 2 माइनस एच कितना होगा? 2 माइनस एच होगा 1.99999. तो ये 1 से तो बड़ा ही हुआ ना, 1 से बड़ा हुआ तो फिर इसी में जाएगी. तो इसका भी आउटपुट कितना होगा? 5. और तीसरी चीज निकालनी है आपको f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 किस में जाएगा? तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी 5 हो जाएगा. तो RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 2, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5. बेहद अच्छा सवाल था, काफ़ी लर्निंग थी इसके अंदर, आपने देखा समझ में आया होगा आपको. चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ाते रहें, दोस्तों को मैसेज कन्वे करते रहें कि हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. और ये केवल आज सर्विस है, इट इज़ प्योरली अ सर्विस टू स्टूडेंट्स. देयर इज़ नो अदर हिडन इंटरेस्ट इन दिस एक्सेप्ट सर्विस. And make yourself strong so that the country will become a strong nation. Question number 6. 6 में आपको दिया हुआ है fx is equal to. इस वीडियो में hopefully हम एक्सरसाइज 5.1 के 10 questions या देख लेते हैं कहां तक हम डिस्कस कर सकते हैं. f of x is equal to 2x plus 3, x less than or equal to 2, 2x minus 3, x greater than 2. इसमें हमें points of discontinuity निकालना है. क्या निकालना है? Points of discontinuity. तो ये बेहद आसान काम है निकालना. अब आपने जैसे आपने question number 5 देखा, तो 5 में देखा आपने 2 के पहले इसका behavior इसके जैसा होता है, इसके जैसा. 2 के बाद इसका बिहेवियर इसके जैसा होता है. तो ये 2 के पहले और 2 के बाद में हमेशा कंटिन्यूस होगा, पर प्रॉब्लम कौन से पॉइंट पे आएगी? उस पॉइंट पे आएगी, इसलिए हम उस पे डिस्कशन करेंगे एट x इज इक्वल टू 2. तो जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ पे ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे लेस देन 2 के लिए अलग, ग्रेटर देन 2 के लिए अलग केस हो जाते हैं, उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है. तो उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है और उन्हीं पे डिस्कशन हम करेंगे. राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है f ऑफ 2 प्लस एच, 2 से बड़ा, ये वाला केस होगा. टू से बड़ा नीचे वाला 2 प्लस एच माइनस 3, एच की जगह 0 रख दें आप, तो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 1. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू, ऊपर वाले केस में रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, एच की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 7. अब RHL इज नॉट इक्वल टू व्हाट?
LHL, अगर ये बराबर नहीं है तो F, therefore, F of X is discontinuous at X is equal to, कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया, 2 पे डिसकंटिन्यूस हो गया। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, लेकिन इसमें दो पॉइंट्स हैं आपके पास। क्यों दो पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, ये माइनस 3 और 3 से पहले ये केस, माइनस 2x इफ माइनस 3 इज लेस देन x लेस देन 3, 6x प्लस 2 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर आपके पास कौन सा केस है, अब आप पहले कौन से पॉइंट पे निकालना चाहेंगे, तो इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तो माइनस 3 का है और एक 3 का है, तो माइनस 3 पे निकाल लें, तो माइनस 3 पे आपका RHL और LHL क्या होगा, RHL हो जाएगा माइनस 3 प्लस h, माइनस 3 प्लस h मतलब माइनस 3 से बड़ा, माइनस 3 से बड़ा मतलब ये वाला मत सोचिए आप, माइनस 3 प्लस h क्या होगा, माइनस 3 प्लस h माइनस 3 से बड़ा होगा, पर h की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, तो अगर वो इसमें जोड़ देंगे तो वो 3 से कभी बड़ा नहीं होगा, वो 3 से हमेशा छोटा रहेगा। तो ये ध्यान रखें कि ये इस पे नहीं रखेंगे आप, इसी में रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस एच। अब आप h की जगह 0 रख दीजिए, एच की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस 2 माइनस 3 प्लस 0, ये 6, और आंसर आप जब ही लिखेंगे जब h हट जाएगा, h हटेगा और लिमिट भी हटेगी, जब h की वैल्यू हटा देंगे तो लिमिट भी हटा देंगे। अब यहाँ पे दूसरा है f ऑफ माइनस 3 माइनस h, माइनस 3 माइनस h माइनस 3 से छोटा, ये ऊपर वाले अकाउंट में जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस 3 माइनस h प्लस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0। आप इसमें से पहले क्या करें, माइनस कॉमन ले लें। अब आपने ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस कॉमन ले लिया पर ये मॉड है, तो मॉड क्या करेगा, उसको प्लस बना देगा, तो आपका LHL क्या हो जाएगा, 3 प्लस एच प्लस 3, एच की जगह 0 रख दीजिए, क्या आया आपका 3 प्लस 0 प्लस 3, 6 आ गया, लिमिट भी हट गई आपकी। अब RHL भी 6 है, LHL भी 6 है, तो F ऑफ, तीसरी चीज क्या निकालनी है आपको, तीसरी चीज F ऑफ माइनस 3, क्योंकि पॉइंट कौन सा है आपका, माइनस 3, और फंक्शन कंटिन्यूस जब होता है, जब LHL RHL और F ऑफ A तीनों बराबर आए, तो F ऑफ माइनस 3 वो भी इसी अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा क्यों, इक्वल टू माइनस 3 लिखा है इसमें, तो मॉड ऑफ माइनस 3 प्लस 3, ये जाएगा 3 प्लस 3 6, सब बराबर आ गए, कौन कौन बराबर आ गए, RHL LHL और F ऑफ माइनस 3, तो फंक्शन क्या हो गया आपका, देयरफॉर F ऑफ X इज कंटिन्यूस एट, कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूस हुआ है, तो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू माइनस 3 पे कंटिन्यूस हुआ है, कौन से पॉइंट पे, माइनस 3 पे। जब आपको इसका प्लस 3 पे निकालना होगा, तो प्लस 3 पे निकालना होगा, तो प्लस 3 किस में रखेंगे, देखिए f ऑफ 3 प्लस h आएगा राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा f ऑफ 3 माइनस h, 3 प्लस h इससे बड़ा, तो यहां पे रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखें 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, h की जगह 0 रख दीजिए, 6 3 जा 18 प्लस 2 20, और f ऑफ 3 माइनस h इसमें रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 इंटू 3 माइनस h, h की जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा माइनस 6, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, therefore, f of x is discontinuous
एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, सॉरी प्लस थ्री, आपको क्या बोला था, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारी जगह पे क्या है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, बहुत बढ़िया सवाल था, आपने देख लिया महसूस किया। सेवेंथ, सॉरी सिक्स नहीं था ये, सेवेंथ था क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एट, एट्थ एंड नाइन्थ ऑलमोस्ट सेम है, एट्थ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, नाइन्थ आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर एट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास, मॉड एक्स बाय एक्स, वैसे इसका डिस्कशन हमारा किया हुआ है, फिर भी हम समझ लेते हैं, लेकिन तब हमने ग्राफिकली किया था, अब इसको अल्जेब्राइकली कर लेते हैं, डेफिनेशन से कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट कौन से पॉइंट पे निकालेंगे हम, तो ये हमारे आईक्यू से पता लग जाता है हमें कि कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे हम, एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ही सारे केसेस दिए हुए हैं। तो राइट हैंड लिमिट होगी आपकी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच निकाल लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, मॉड ऑफ जीरो प्लस एच क्या होगा आपका, मॉड ऑफ जीरो प्लस एच मीन्स मॉड ऑफ एच, एच एच अपॉन एच, अभी आप एच रख नहीं सकते जीरो जब तक ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया वन हो गया, अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, अब राइट हैंड लिमिट वन आ गई दोस्तों। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ भी हो पर राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड के और एफ ऑफ जीरो के बराबर होना, एफ ऑफ जीरो कितना है अपने पास, एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो लेफ्ट हैंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका फंक्शन देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, आपका फंक्शन राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। वैसे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी माइनस वन और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें पूछा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक्स अपॉन मॉड एक्स, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, मैं आपको केसेस लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए। एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, सॉरी एक्स इज लेस देन जीरो, एक्सट्रीमली सॉरी एक्स इज लेस देन जीरो और माइनस वन है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो ये कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो जो आपका केस है ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी आपकी, राइट हैंड लिमिट इसमें होगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू है डायरेक्ट माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, और आप एक बार मास्टर बन गए तो बहुत जल्दी जल्दी आप काम कर सकेंगे, जैसे मैंने आपको देखते से ही बता दिया कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो जीरो माइनस एच उसी में जाएगा, जीरो माइनस एच मॉड ऑफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो जीरो माइनस एच इज माइनस एच, इसमें कोई चेंज नहीं, पर ये मॉड के अंदर माइनस एच है तो ये प्लस हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पहले कैंसिल होगा फिर लिमिट रखेंगे, तो ये माइनस वन आ गया। अब आर एच एल एल एच एल बराबर आ गए, तो फिर तीसरी भी चीज एफ ऑफ जीरो कितना होगा, तो एफ ऑफ जीरो भी दिया हुआ है माइनस वन, तो आर एच एल
इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो ये तो कंटिन्यूस है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और हमसे पूछा है कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसका आंसर होगा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन आर, पूरे रियल नंबर में क्या होगा एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। अब टेंथ क्वेश्चन देखें, टेंथ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर टेन देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वन। तो साथ साथ में आप मेरे कर सकते हैं इनको क्वेश्चंस को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन व्हेन एक्स इज लेस देन वन। तो कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे हम, हमें समझ में आ गया कि हमें कौन से पॉइंट पे चेक करना है, केवल वन पे चेक करना है क्योंकि वन पे ही दोनों केसेस हैं। तो वन पे हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लोगे अब दोस्तों आप, एफ ऑफ वन प्लस एच, वन प्लस एच इसमें रख देंगे वन से बड़े वाले में, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एच प्लस वन, एच की जगह जीरो रखेंगे तो ये टू बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम एफ ऑफ वन माइनस एच, वन माइनस एच स्क्वायर प्लस वन, इसमें भी एच की जगह जीरो रख दीजिए, सिंप्लीफाई करो ये भी टू आ गया। एफ ऑफ वन भी इससे निकलेगा, किससे, इससे इक्वल टू वन इसमें लगाए एफ ऑफ वन, तो एक्स की जगह वन रखे, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू। तो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल एफ ऑफ वन, तो इसका मतलब है आंसर क्या हुआ, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर, अब आपके पास जो दो क्वेश्चंस हैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ, ये भी लगभग इसी के जैसे हैं, तो हम उन दोनों को भी डिस्कस करके 13th ऑनवर्ड अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका एक सेगमेंट हो जाएगा 11th, आपका क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स लेस और इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स ग्रेटर देन टू। अब अगर आप इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट टू प्लस एच इसमें रखना पड़ेगा, फिर एच की जगह जीरो रखेंगे तो आप फाइव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे सिस्टमेटिकली, एंड यू शुड प्रॉमिस कि आप सिस्टमेटिकली निकालेंगे, तो इसमें रखेंगे तो टू माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह जब जीरो रख देंगे तो फोर माइनस थ्री वन। राइट हैंड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये डिसकंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस वन, आप पावर से घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान है, इसको वन पे निकालेंगे हम, तो वन पे राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। तो वन प्लस एच से कोई डरने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, कि बाइनोमियली इसको ओपन करना पड़ेगा, ध्यान से देखें एच की जगह जीरो रख दें आप, तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो पावर टेन माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन टू द पावर टेन वन, वन माइनस वन जीरो। इसी तरीके से आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ने, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगा ऊपर वाले से, ओ नीचे वाले से, तो वन प्लस एच होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका वन। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा आपका
वन माइनस एच इससे निकलेगा, इसमें x की जगह वन माइनस एच डाल देंगे, वन माइनस एच टू द पावर टेन माइनस वन, एच की जगह जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा वन टू द पावर टेन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे। तो ये दोस्तों काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, आपने देखा काफ़ी मेहनत की हमने, बेसिक से हम क्वेश्चन नंबर 12 तक आए, सारे कंसेप्ट सीखे। एक बार आप इनको ज़रूर करिए, ओवरऑल 34 क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक। तो हम वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द 34 क्वेश्चंस, सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड देयर सॉल्यूशंस, कि कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना छोड़ना है। मेरी बेस्ट विशेष है, आप अच्छे से अच्छा करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों तक बात पहुंचाएं, ताकि ये बात आगे तक जा सके। आप अच्छा बनेंगे तभी आपका नेशन स्ट्रांग बनेगा। मेरी बेस्ट विशेष है, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी PhD इन मैथमेटिक्स, और आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की मैं कोशिश करूँगा। इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट।